Hello students, in previous video we have learnt starting of the lesson the special prize which is written by Birendranath Dutt and Anant Dev Sharma. So now here we will continue the story. You have to open page number 17. I had given you one homework. I hope you have done it. उस वीडियो में हमने देखा था कि जो तपन नाम का लड़का है वो अपने गांव में बिल्कुल की स्कूल में जो ज्ञानपीठ हाई स्कूल है वहां पे बिल्कुल न्यू है और वो कुछ भी काम अच्छे इरादे से करने जाता है पर उसको उसका जो मतलब है वो या उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा नकारात्मक निगेटिव होता है उसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ जाता है। पर आगे क्या हुआ है वो भी देखेंगे हम। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये चीज देखे थे कि जो उसके स्कूल के HM है हेडमास्टर उन्होंने चौकीदार के माध्यम से चौकीदार को बुलाकर जो तपन है उसको अपने कैबिन में बुलाया था और क्या कंप्लेंट थी उसकी जो कंप्लेंट थी उसी के गांव के शॉपकीपर ने की हुई थी कि इसने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर शॉपकीपर का जो दुकान है गांव में उस पर पत्थर फेंके थे। तो अब आगे देखिए क्या हुआ। तपन केम इन विद द चौकीदार एंड आफ्टर ग्लांसिंग टिमिडली एट द हेडमास्टर स्टड विद हिज हेड लोअर्ड स्विंगिंग हिज केन द हेडमास्टर डिमांडेड यू आर तपन aren't you? यस सर तपन रिप्लाइड पोलाइटली। तो तपन चौकीदार के साथ में हेडमास्टर के ऑफिस में आया और उसने देखा कि जो हेडमास्टर है हेडमास्टर के कैबिन में जो हेडमास्टर है अपना सर नीचे रख के केन हाथ में पकड़कर बिल्कुल बैठे हुए हैं। उनकी जो केन है वो बिल्कुल स्विंग हो रही है झूल रही है मतलब हाथ में हिल रही है और हेडमास्टर ने फिर सवाल किया। क्या सवाल किया बोले तुम ही तपन हो ना। तो जो तपन है उसने रिप्लाई दिया नम्रता पूर्वक बिल्कुल विनम्रता से पोलाइटनेस के साथ यस सर बोले हाँ सर बोले मैं ही तपन हूँ। डू यू नो दिस जेंटलमैन द हेडमास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग एट द शॉपकीपर यस सर ही लिव्स इन अवर विलेज। फिर हेडमास्टर ने दूसरा सवाल किया बोले तुम इस जो इंसान को जानते हो किसके तरफ इशारा करके वो शॉपकीपर की तरफ इशारा करके। तो तपन ने फिर से पोलाइटनेस के साथ में जवाब दिया हाँ सर बोले मैं जानता हूँ ये हमारे गाँव में रहता है। वेल हेडमास्टर से वेल इज इट ट्रू दैट लास्ट इवनिंग यू एंड योर फ्रेंड्स थ्रू स्टोन्स एट हिज शॉप कम ऑन देयर बी द ट्रूथ यस सर इट इज ट्रू दैट आई थ्रू स्टोन्स एट हिज शॉप विद रतन एंड अदर्स। हेडमास्टर ने फिर और एक सवाल किया बोले क्या ये सच है कि तुमने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर इसके दुकान पर इसका जो गाँव में दुकान है वहां पे पत्थर फेंके। इसका भी जवाब जो है पूरी विनम्रता के साथ में तपन ने दिया हाँ सर बोले ये बिल्कुल सच है कि मैंने जो रतन और कुछ और जो दोस्त है उनके साथ में मिलकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके। यहाँ पे देखिए एक रतन इसके पापा का भी नाम है हमने देखे थे रतन नाम के क्लर्क का ये बेटा था दूसरा बेटा था पर वो रतन उसके पापा का नाम भी है और ये दोस्त जो है ये दोस्त का नाम भी रतन है उसको पापा ही मत समझिएगा कि पेरेंट्स मत पेरेंट मतलब पापा मत समझिएगा ये रतन। बोले रतन नाम के दोस्त को और बाकी उनके दोस्तों के साथ में मिलकर मैंने हाँ पत्थर फेंके। Why did you do that? Answer me. The headmaster thundered. अब क्योंकि कोई भी क्या करता है गलती करता है तो बोलता है कि ये मैंने नहीं किया बोलता है पर ये तो बेचारा बिल्कुल जैसे ही उसको पूछा गया कि आप तुमने पत्थर फेंका क्या तो वो क्या बोल रहा है हाँ बोलता है मैंने और उनके साथ में मिलकर इसके दुकान पर पत्थर फेंके हैं। तो हेडमास्टर थोड़े से शॉक टाइप हो गए थंडर हो गए उनको गुस्सा आ गया बोले क्यों क्यों तुमने ऐसा किया बताओ बोले मुझे। तो अब इसने जवाब क्या दिया देखिए सर दिस मैन चीट्स he charges higher prices and gives less. Moreover, he has introduced a new kind of paper bag which is padded at the bottom. The day before yesterday, we bought a kilo of dal from him. When we weighed the contents at home, it turned out to be only 800 grams. The padding in the bag weighed 50 grams. He had short weighted 150 grams. It is common knowledge in the village. बोले सर ये आदमी जो है ये चीट करता है ये लोगों को फंसाता है किस तरीके से क्योंकि बोले ये जो है ये ज्यादा पैसे लेकर ज्यादा चार्ज करके कम माल देता है बहुत कम सामान देता है। और बोले इतना ही नहीं इसने अभी तो अपने दुकान पर एक नई किस्म की पेपर की एक बैग इंट्रोड्यूस किया है नई ही बैग लाया है इसने और वो बैग जो है उसकी बॉटम में उसके नीचे के हिस्से पर पैड लगा हुआ है और वो पैड जो है मैंने पैड की वजह से ऑब्वियसली बैग थोड़ी भारी हो गई। फिर बोलता है एक मतलब बिल्कुल एक दिन के पहले मतलब द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों के दिन
बोले वी बॉट अ किलो ऑफ दाल मम्मी, बोले इसकी दुकान से हमने एक किलो दाल खरीदी और बोले जब हम घर जाने के बाद हमने पूरा कंटेन मतलब जो बैग के अंदर का सामान इस बैग मीन्स दाल, तो दाल को जब उसने गिने तो हमें पता चला कि वो तो जब एक किलो दाल जो हमने खरीदे थे वो सिर्फ 800 ग्राम ही थी। फिर हमने देखे कि वो जो पैड है बैग मतलब जो पॉलिथीन में या वो न्यू टाइप की बैग में उस पैड का वेट हमने गिने तो वो 50 ग्राम था। तो चलो भाई एक आध बार हम कंसिडर कर सकते हैं कि पैड का वजन मतलब पॉलिथीन के या उस बैग के साथ में मिलकर जो दाल दिया गया 1 किलो तो 950 ग्राम तो भी बननी चाहिए, पर वो पैड का वेट 50 ग्राम काटने के बावजूद में भी 800 ग्राम मतलब 150 ग्राम पूरे तरीके से इसने कंची मारा था, इसने कम दिया था। तो बोले करके जो है he had short weighted 150 ग्राम, 150 ग्राम कम दिया। और बोले ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ये बात पकड़ा, बोले ये गाँव के सभी लोगों को पता है ये चीज। तो देन आगे क्या होता है देखिए, टर्न पेज नंबर 18, हमें टर्न द पेज एंड कम टू पेज नंबर 18। When I questioned him about it yesterday, he chased me out of his shop. That is why I and the other boys threw stones at his shop. बोले अब जब हमें परसों के दिन ये सब चीज हुई, हमने जब ये चीज पकड़ी हमें पता चला, तो बोले कल की बात है, कल मैंने इसको सवाल किया। Obviously जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सवाल तो करेगा। इसने सवाल बोलते मैंने सवाल किया, और जब मैंने सवाल किया तो जवाब देना तो दूर। इसने क्या किया, इसने दुकान के बाहर मेरा पीछा किया, चेस किया मुझे, और करके मुझे मतलब ये चीज गलत लगी, और करके मैंने मेरे दोस्तों के साथ में मिलकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंकी। द हेडमास्टर लुक्ड एट द शॉपकीपर, हिज फेस वाज क्रिम्सन। अब हेडमास्टर ने हेडमास्टर के पास में क्योंकि टीचर है, इसने शॉपकीपर ने क्या किया था, कंप्लेन किया था। तो हेडमास्टर ने अब देखा शॉपकीपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो गलती पूरी तरीके से शॉपकीपर की है। तो उसका जो फेस है इसका शॉपकीपर का वो क्रिम्सन था, क्रिम्सन मतलब रेड की एम्बरेंस में, मतलब कि शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे गलती किसकी थी, शॉपकीपर की ही थी। और वो गलती डायरेक्ट हेडमास्टर के सामने बच्चे ने बता दिया कि क्या गलती थी, क्यों उसने काम किया ये। द हेडमास्टर थॉट फॉर सम टाइम, देन टर्निंग टू तपन ही सेड, इवन सो व्हाट यू डिड वाज नॉट राइट। It is wrong to harm the property of others. If the shopkeeper is dishonest, it is for the government or the village panchayat to take up the matter. It is none of your business. Hold out your hand. Tapan was told to stand outside the headmaster's office. When he returned to his class at the end of the school, his classmates looked at him sideways and sneered. Ab headmaster kuch samay to sochne lage. उनको भी समझ में नहीं आया कि इसको मैं क्या करूं, कि गलती तो इस अभी पॉइंट है, ये भी कोई गलत तो नहीं किया है। पर फिर भी उन्होंने भी उसके बाद तपन की तरफ मुड़े और क्या बोले, फिर भी बोले मैं मानता हूं कि तुम जो पॉइंट बोल रहे हो बिल्कुल सच है, इसमें गलती एक तरीके से इसमें गलती किसकी है, शॉपकीपर की। पर फिर भी बोले किसी तुमने जो किए, तुमने जो तरकीब आजमाए, तो वो जो तुम्हारा क्या बोलेंगे तरीका जो है वो तरीका सही नहीं है, बोले ये तरीका गलत था। बोले इट इज रॉन्ग टू हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, बोले किसी की भी प्रॉपर्टी जो रहती है किसी के सामान पर वो हार्म करना नुकसान पहुंचाना गलत है, ये बिल्कुल पूरी तरह किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और बोले मैं मानता हूँ कि हेडमास्टर जो शॉपकीपर है वो डिसऑनेस्ट है, वो नम्र नहीं है, वो गलत है, वो चीटर है। पर फिर भी बोले अगर वो डिसऑनेस्ट है भी तो उसे पनिश करने का जो काम है, उसे सजा देने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है, सरकार का है, या तो फिर विलेज पंचायत का है। विलेज पंचायत मीन्स ग्राम पंचायत जो हमारी रहती है ना, ग्राम पंचायत का है, वो उनके पास उन्हें लेके जाना चाहिए था ये मैटर को, या फिर वो इस मैटर को देख लेते। बोले इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, कि तुम्हारा काम तो है नहीं। बोले एक काम करो, होल्ड आउट योर हैंड्स, हाथ निकालो मतलब पनिश करने के लिए। फिर तपन को और एक सजा दी गई, तपन वाज टोल्ड टू स्टैंड आउटसाइड हेडमास्टर्स ऑफिस, फिर उसको जो हेडमास्टर जो एचएम है उनके ऑफिस के बाहर खड़ा रहने की सजा दी गई। और व्हेन ही रिटर्न टू हिज क्लास एट द एंड ऑफ द स्कूल, हिज क्लासमेट्स लुक एट हिम साइडवेज एंड स्निगर्ड। और फिर सजा भुगतने के बाद में जब आखिरी में वो जब अपनी क्लास में बैठने आया, तब उसके जो दोस्त है, अब उसको पता है कि केक को पनिशमेंट हो गई, तो उसको क्या करते हैं, वो जब क्लास में आता है तो बाकी के जो बच्चे हैं उसको देखकर हंसने लगते हैं, तो उस तरीके से इसको भी देखकर बाकी के स्टूडेंट्स हंसने लगे, स्निगर करने लगे। स्निगर का मतलब होता है किसी की गलती पर हंसना, कि वो उसकी गलती थी करके उसको बाहर किया गया है ना,
तो करके उसकी गलती पर उसको सजा मिली करके बाकी के बच्चे फिर आगे क्या हुआ देखिए, बस एक पैरा हम लेंगे। There was another incident a few days later. It concerned a fierce hawk, which was menacing the locality. It had injured several people. If anyone approached it with a stave, it would charge at them. Everyone was terrified of it. अब उसके बाद में और कुछ दिनों के बाद में और एक incident और एक घटना हुई। क्या घटना हुई? ये घटना जो है, ये एक fierce hawk के बारे में, मतलब कि एक क्या बोलेंगे डरावने वाले एक बैल के बारे में थी, जो कि कैसा था, menacing the locality, मतलब वो गांव के पूरे गांव को तकलीफ देने का, परेशान करने का काम करता था। menacing मतलब loading और threatening, मतलब वो ट्रबल करता था, परेशान करता था, तंग करता था गांव के लोगों को। तो कोई भी अगर उसे मतलब पकड़ने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए, अगर स्टेव के साथ, स्टेव मतलब मजबूत वाली अगर लकड़ी होगी ना, तो उसके साथ में अगर कोशिश करे तो वो उन्हीं पर हमला कर देता था और करके उस बैल से सब लोग डरते थे। अब इस बैल के बारे में क्या इंसिडेंट हुई, बैल के साथ इसने क्या किया, तो वो जो हम देखेंगे अगले हमारे वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा की तरह चैप्टर रीड करना है, मीनिंग सीखने हैं, मीनिंग इस तरीके से। हालांकि हमने इस बार तो इंग्लिश पैटर्न में लिखे हैं, जिनके मीनिंग आपको इंग्लिश में नहीं लिखेंगे उसके लिखेंगे। और जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तीन बैल का मतलब आपको यहाँ पे एम्ब्रेस होता होगा, ब्राइटन होता होगा, हैप्पी होता होगा, जो आपको लगता है उसको टिक करना है। इसका आंसर भी मैं कल बताऊंगा। और जो पिछला जो होमवर्क था, जो हु हैड कंप्लेंट अगेंस्ट द मैन, उसका आंसर क्या था, द शॉपकीपर था, वो तो अभी हमको पता ही चल गया। तो थैंक यू सो मच।